हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मटन ग्रेवी। बकरे ईद की स्पेशल रेसिपी है, मोस्टली सभी घरों में बनाई जाती है, लेकिन जिनको भी नहीं आती है बनाना वो इस वीडियो से इजीली इसको बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल रेसिपी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मटन को अच्छे से वॉश कर लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में ये मटन के पीसेस कैसे हैं। अब अच्छे से वॉश करने के बाद ये सब मटन मैंने कुकर के अंदर डाल दिया है। इसमें मैं सिर्फ नमक डालूंगी और अच्छे से इसको नमक डालने के बाद मिक्स कर रही हूँ। इसमें मुझे कोई भी पानी नहीं डालना है, मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, बस इसको अब बंद कर दूंगी और इसमें कम से कम 5 से 6 सीटी लूँगी। पाँच से छः सीटी लेने के बाद अब मैं इसे एक नॉनस्टिक कढ़ाई में डाल रही हूँ। नॉनस्टिक कढ़ाई में डाल के मुझे इसके अंदर जितना भी पानी है उसे ड्राई करना है। तो आप भी याद रखिए, जब नॉनस्टिक कढ़ाई में डाल दें और जो पानी आप लोगों को दिख रहा है, तो ग्रिल का ये सारा पानी हमको सुखाना होता है और मटन यहाँ पे ऑलमोस्ट गल चुका है। यहाँ मैंने मटन को नॉनस्टिक कढ़ाई के साथ गैस पर रख दिया है और जितना भी पानी है उसे मैं ड्राई करूँगी और ड्राई करने के बाद आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब इसमें से सारा पानी ड्राई हो ही चुका है लगभग, पूरी तरीके से ड्राई होने के बाद देखिए मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। प्लेट में निकालने के बाद मैं इसके ऊपर से काली मिर्च पाउडर छिड़क रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऊपर से डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।